हालात विच धांधली होने करके डायरेक्टर वालों किया गया फ्री वित्तीय 30 to 35 lakh rupees का नुकसान जरा करवाया गया। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी 1,69,00,000 के टेंडर पर उठे सवाल, आप नेता सुरेश ने ट्रस्ट अधिकारियों पर लगाए आरोप। एक्सीएन विक्रमजीत सिंह ने आरोपों को बताया निराधार, कहा नियमानुसार दिया गया टेंडर। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी 1,69,00,000 के टेंडर पर आपके नेता व आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये टेंडर राजनीतिक दबाव ट्रस्ट अधिकारी की मिली भगत से दिया गया है, जबकि इसी काम के लिए टेंडर भरने वाली कंपनियों ने 18 से 20% लेस तक के टेंडर भरे थे, मगर उन कंपनियों को रिजेक्ट कर 2% लेस वाली स्टार अमृतसर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यह टेंडर अलॉट किया गया, जिसमें सरकार को चूना लग रहा है। और इसी बाबत एक शिकायत लोकल बॉडी डायरेक्टर पुनीत गोयल को सुरेश शर्मा ने स्वयं मिलकर दी है, जिसके बाद इस टेंडर को रोक दिया गया है और इसकी विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बिड खोलने वाले एक्सीएन विक्रमजीत सिंह ने कहा कि सारे आरोप निराधार है, टेंडर नियमों अनुसार ही दिया गया है। अब क्या कहते हैं सुरेश शर्मा और एक्सीएन विक्रमजीत सिंह? हेलो नमस्कार जी, मैं पब्लिक दिलासा चैनल तो राजेश अरोड़ा बोल रहे हैं। एक्सीएन विक्रमजीत जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। विक्रमजीत जी, अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुरेश शर्मा जी ने, उन्होंने तुहाडे आरोप लगाया कि जेड़ा स्टार अमृतसर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने जेड़ा 1,69,00,000 का टेंडर दिता गया उसे 2% लैस थी, जबकि सामने वाले पास कई कंपनियां ने 18 to 20% लैस दी थी, तो राजनीतिक दबाव करके कराया गया, तो इस बारे की कहना है? देखो जी, पहली गल तो अं टेंडर जो खोलने दी सारे की जी कि फाइनेंशियल बैंक चेक करती है जी, ते जेड़े बंदे दे कागज पूरे होने के टेंडर दे उदा ही खोलना, दूजे का ही खोलना ही जी, जेदे कागज ही नहीं पूरे, बस इन्नी गल। अच्छा, एदा मतलब जिन्हां ने ज्यादा लैस दित्ती सी उन्हां दे कागज पूरे नहीं सी, और जिदी मतलब के जिदे भी सीगे जिहड़ी एजेंसियां हैगियां सी जी जी, जिन्हां दे कागज नहीं पूरे उन्हां नूं कढ़दे रेट तां सानूं पता ही नहीं लगदा किहदा 2 आ किहदा 5 आ किहदा 10 आ किहदा 1 आ किहदा 0 आ जी 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 जी, एदा मतलब जिहड़ा स्टार तुहानूं पता हुंदा उह ते टेंडर खोलांगे फिर ही पता लगूगा ना किहदा रेट की आ जी जी, पर उन्हां दा आरोप है कि इह इक सियासी दबाव करके इस तरह कीता गया वै। मैं कहना जी उह कुछ भी कह सकदे आ जी, धन्यवाद जी। चलो इस तरह करके वापस ले गए टेंडर, और इस जिहड़ी नवीं स्टार अमृतसर नूं काम दिता गया उहदा पहला ही काम आ, उहनूं तजर्बा ही कोई नहीं है, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ 5 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਡਿਆ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਪਾਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਜੋ ਐਕਸੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾਂ ਡੋਂਗਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਿਡ ਕਪੈਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਜ 2% ਦੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਫੈਲ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ MP ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਗੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਦਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ।